एज पर रूटीन हम आखिर में कुछ टाइम के लिए हाउस को ओपन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आंसर की स्लिप्स आ चुकी हैं आपके सामने, आपके पास एक आपका फोल्डर मौजूद है। अगर आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन आंसर की स्लिप पड़ी हुई है, वो आप मुझे या सेक्रेटरी साहब को भिजवा सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन मुख्तसर कीजिएगा, रेलेवेंट क्वेश्चन हो। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी और मेंबर के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन भी सेम है तो आप उसे पास कर दीजिएगा ताकि हम टाइम को बचा सकें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा फॉर्मर प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद नवाज साहब से कि वो अपना क्वेश्चन करें। सोहेल भट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रेलवे रोड मेयर सादिक मार्केट। सॉरी सोहेल साहब, तमाम जिनकी क्वेश्चंस की पर्चियां मेरे पास आ चुकी हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टू द पॉइंट और मुख्तसर क्वेश्चन कीजिएगा। तो
मजबूर लोग हैं तो वो ज़्यादा सब तो और वाले नहीं बनने देंगे, ये तो मोटी बात, क्योंकि इधर तो हाईकोर्ट टाइम भी लगता है, ट्रांसपोर्टर बात है, मुकला बात है, पुलिस वालों का बात है, जिस किसी का केस लग जाता है हाईकोर्ट में वो सारे मुफादात इकट्ठे हो जाते हैं और जो इंतजार करने वाले हैं वो भी इन्हीं में जाते हैं। वो आपकी बात आपने की कि हम नीयत से नहीं लगे हुए, दिल की तरफ से नहीं है, एक बात उधर ये है। दूसरी एक वो भुला के केसेस का मसला आया था, 10 साल पीछे चले गए तो मेरे ख्याल इतने केसेस नहीं होते थे। उसके लिए सर ये सोशल मीडिया और जो हमारे मुल्क में ड्रामा सीरीज चलती है, जो लोग ये बच्चियाँ वो जो देखते हैं एक मिनट में अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, नौजवानों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इसमें हाई कोर्ट ईवीए ने क्या किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये थोड़ा सा बैठ का देखा तो उनकी सेंसरशिप नहीं है। एक लड़की अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया, आपने डेढ़ से तलाक दी ताकि डेढ़ से तलाक के दे रहे ताकि एक ही घर में बैठे ये कहाँ का ये हमें मोहन दे रहे हैं साफ कहाँ भी दे रहे हैं ये कहानी। इसके लिए ये भी बाहर से दूसरी जगह काम है अपने मफादात के लिए तो हम कायल हो रहे हैं ऐसा बात हो, लेकिन ये जो सोशल मैटर्स हैं इसके लिए कहानी ये बकायदा लिख कर देंगे कि ऐसा ड्रामा और कोई प्रोड्यूसर है उसके घर का मैटर से लेके आता है, किस प्रोड्यूसर के घर में ऐसा होता है। एक बार सर ये कहानी ये भी आप नोट कर लें, ये लिख के बकायदा है तहरीर के साथ सुप्रीम कोर्ट के तक ये जाए। और तीसरा सर एक और मैं क्योंकि उस रोड पर जिस रोड पर आप भी हैं, हमारे जो रोड पर हर रोड पर ट्रैफिक चलाते हैं उसमें थोड़ा सा आपका वो जो हिस्सा है बाहर वाला आप भी आना चाहें तो उतनी जल्दी आपको अंदाजा चले। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अभी रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन या ट्रैफिक का सवाल बिलाल चला है? नहीं कोई नहीं, कोई ना आज नहीं नहीं मैं आ जी, मैं आ जाऊँ सर, मैं आ जाऊँ। ये जो बात आपने की है ना जी सोशल मीडिया और ड्रामा, एक्चुअल जब से ये टेलीफोन आया है ना जी तब से ज़्यादा बीमारी शुरू हुई है। पहले जो होती थी वो बहू सास के साथ लड़ाई हुई, हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई तो जो मैसेज जाते हो जाते जाते भी जो था वो 10 दिन लग जाते थे किसी को भेजना, दूसरे चौथे दिन वो शाम को सुलह हो जाती थी। इधर लड़ाई होती है उसी वक्त मैसेज वो टाइपिंग शुरू हो जाती है व्हाट्सएप में, मामा मुझे मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, मामा उधर से आती है, भाई आते हैं, चलो चलिए ना दिया सीधी पैसे, अदम बर्दाश्त है और माँ बाप की तरबियत। जब आप जो है वो खुद ड्रामा देख रही हैं और बेटे के मुंह में आपने वो निपल डाला हुआ ना तो वो ऐसे ही पैदा होंगे। जब आप नमाज पढ़ेंगी, कुरान की तलावत करेंगी तो हालात भी जो है ना वो दूसरी तरह की पैदा होगी। उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसे जो ड्रामाज हैं इनके लिए हम जो है वो पटिशन दायर करें ताकि इन ड्रामों को बंद किया जाए, ये जो गंद फैलाया जा रहा है ना ये ना फैलाया जाए, इसके लिए हम हाथ लें। बिल्कुल हम उसके हम उस ऐसे ड्रामों के लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर को पटिशन दायर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ मैं सर अच्छा अब आ गई पार्किंग। हमने पार्किंग का ठेका दे दिया,
हमारे नाम के ऊपर पर्चियाँ, ये सदर साहब ने कहा है जी, ये 200 उन्होंने कहा ले लें, 100 उन्होंने कहा। हमने पहले दिन जो पार्किंग फीस थी वो भी मुतय्यन कर दी थी, अपने पैसे भी रख दिए थे कि ये हमें बाहर में आप लोग जमा करवाएंगे। ना हम ये इजाज़त देते हैं कि डबल पार्किंग हो, ना हम ये इजाज़त देते हैं कि इसकी फीस ज़्यादा हो। अच्छा, हमने हमारी जो बार है तकरीबन 20-22-25 लाख रुपये उसका महीने का खर्चा, वो हम कहाँ से लेके आए? चोरियाँ करें, डाके मारे, क्या करें? ये जो हमारे राउंड में पार्किंग थी, ये हमने कहा जी इसका जो है, ये डीसी साहब को पैसे जाते हैं, आप पार्किंग, आप बार को पैसे दे दें, ये हम ठेका करवा के तो उसके पैसे जो है बार को दे दिए जाए। वो हम पैसे लेते हैं सिर्फ इस चीज़ के कि हमारे जो गिरदा जगह हमारी है तो हम किसी का हक नहीं लेते, ठीक है ना जी। आगे को जितनी जो ज्यादा करता है, सीटीओ साहब ने मेरे साथ बात की कि आप जो है ये डबल पार्किंग ख़त्म करवाएं, मैंने उसे कहा जी बिल्कुल हम आ जाए। अब सीटीओ का ऑफिस अगर उस चीज़ के पैसे ले रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बेशक सीटीओ को ना पता हो, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपने बंदे लगा दें और वहाँ से जो है वो डबल पार्किंग को हटवाएं और उनको जो है वो एक एक बंदा उनके साथ खड़ा हो। ये तो जो बंदा हमारे पास आता है, मेरे पास लोग आए कि जी आप हमें जो कचहरी बाजार में जो फुटपाथ है ना इसको आप ये करें कि वो हमें वहाँ से उठा रहे हैं तो आप इनको मना करें। मैंने कहा फुटपाथ आप फुटपाथ उठा रहे हो? उनका जी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, आप वहाँ से उठें, वो लोगों के गुजरने का रास्ता है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, हम हक के साथ खड़े हैं, सच्ची बात के साथ खड़े हैं, जुल्म के साथ कतर नहीं है, ज्यादती के साथ बिल्कुल नहीं है। ये पार्किंग का मसला जो है, ये यार क्या कहूँ मैं, एक हमारे गिर्द पार्किंग का मसला नहीं है, पूरे शहर में मसला है। आप फैसल हॉस्पिटल में जाए वहाँ भी मसला है, आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते, आप वहाँ वो तो सीटीओ साहब वहाँ से पैसे नहीं ले रहे, वहां तो सीटीओ का अमला पैसे नहीं ले रहा। हम बहसीयत कौन तबाह हो चुके हैं वहां पे, तो आपके जो चैम्बर के वो जो है राणा साहब, उनकी को पार्किंग है अपना राणा फयाज साहब की पार्किंग कंपनी है, वो पैसे ले रही, वो पार्किंग कंपनी के मेंबर हैं सर, डीसीओ की है लेकिन कंपनी आपकी है, राणा साहब की कंपनी है जो पैसे जिनके पास थे क्या सर, डीसी को अच्छा वो कंपनी पैसे डीसी साहब को जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल डीसी साहब। अच्छा डीसी साहब को जा रहे हैं, जीपीओ के पास पार्किंग है, वो भी ओवरलोडिंग करते हैं, वो ट्रैफिक की बुला रहे हैं। अच्छा प्रेसिडेंट साहब इस मामले का आंसर ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी नहीं जी सर, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे शहर में, जिस जगह आप फैसल हॉस्पिटल मुझे इंटर होकर दिखा दें, आप वहाँ गाड़ी पार्क करके वहाँ दिखा दें। हमारे बुकला 6,000 हमारी स्ट्रेंथ था लेकिन हमारे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, हम क्या करें? हमारे पास तो यार शेड नहीं है, हम किसको कहें हमारे घर में शेड लगवा दे? मैं तो आपसे ये कहने के लिए बल्कि पार्किंग प्लाजा बनाना चाहते हैं लेकिन भाई वो फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट फंड्स, वो कह रहे 18 हमारे पास जगह है, हमें पार्किंग प्लाजा नहीं बना के दे रहे जी, 18-20 करोड़ का खर्चा है, आप बना दें, हमें बनाएं आप यार, लगाएं पैसे को, हम 2-4 करोड़ इकट्ठा कर देते हैं, मैं मांग पे इन लेना किधों को तुम ला दो। मैंने तो खुद कहा कि इसको खत्म करें, ठीक है ना जी, शहर हमारा है, हम लोग सीटीओ इधर सरगोधे से आए, उसने कल को फिर चले जाना है, हम लोग शहर में बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ जी सीटीओ साहब भी यही चाहते हैं कि ये खत्म हो, वो कोशिश भी करते हैं, उठवाते भी हैं गाड़ियाँ, लेकिन क्या होता है कि हमारे लोग, आपके लोग, बिजनेस के लोग कहते हैं यार तू ये चाबी पकड़ और मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। मसला क्या, मसले की हल की तरफ हम नहीं जा रहे, वो जो एक्चुअल में जो पार्किंग प्लाजा बन रहा है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, वकला के लिए जो पार्किंग की जगह है उसके लिए पैसे नहीं है, ये सारे का सारा किया जा रहा है इन गवर्नमेंटों का, ठीक है ना जी, तो हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी हम आ गए। थैंक यू जी। आतिफ साहब जी, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी जेल एंड डीबीए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदासी, तो
सर आपने अभी कहा कि हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो ई हमें बेंच मिल जाएगा, इसके लिए आपको पाँच छः ऐसे स्टेप बताएं तो हम आपके साथ भेजेंगे, कोई कमेटी बनाए और इसके ऊपर ऊपर तक वर्किंग कर सकें। बातें करने में हम भी रह जाएंगे, आप भी रह जाएंगे, मेरा मशवरा है आप हमें कोई पाँच गोल स्टेप बताएं, हमारे प्रेजिडेंट साहब आपके पास रहते हैं, हम इनको मिल के एक जैसे कहते हैं ना पंजाबी में ज्वाइंट ताकत लगा देते हैं, वो तो लगाएं हाइट पॉलिसी के लिए। सिर्फ अगर आप कहने चले जा रहे हैं हम आपको कहें कि आप बनाएं आप कहें हम बनाएं, हम चाहते हैं कि आपकी ताकत से नहीं बनने वाला, हमने देख लिया सुन लिया समझ लिया ये हमसे भी बनने वाला, इसके लिए एक शहर की ताकत चाहिए जो इसको पुशअप करे। आप हमें कोई स्टेप बताएं क्योंकि ये आपका काम है हमारा नहीं, हमें पांच ऐसे स्टेप बताएं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब मिल के आपके साथ अपनी ताकत लगा सके और हाई अथॉरिटी को समझ आए कि अपने शहर कैसा वर्किंग कर रहा है। थैंक यू जी। आपकी और हमारी जो कमेटी बन गई है, हम बैठ के इसमें जो हमारे स्टेप्स होंगे पाँच हों या दस हों वो हम बना लेते हैं कि हमने ये करना है तो वो हम करेंगे। अच्छा, आपने कहा जी कि प्रेसिडेंट जो है डीबीए को वो बेबस है, बेबस नहीं है, लेकिन वो जो अरबाब इकतदार और इख्तियार है ना वो बेहिस हैं, उनको एहसास नहीं है कि ये लोग हैं, ये इंसान है, फैसलाबाद में भी इंसान बसते हैं, उनको अपनी तिजोरियाँ भरने में जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने में नहीं है। मेरे इख्तियार में हो मैं तो सारा साल ये जो है कचहरियाँ बंद कर दूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, इसको बंद करने में मुझे कोई मसला नहीं है, ना ये बंद करने से इन्होंने बनाना है, हमने तो कई साल से जो है इसको बंद रखा है, हफ्ते वाले दिन सैटरडे को हमारी स्ट्राइक होती थी लेकिन उन जो नहीं रेंगती उनके काम पे, हमने कोशिश करनी है मेरे भाई कि किसी तरह वो ई कोर्ट का ये है कि हमारी यहाँ से दायरी यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे लोग पेश हो जाए, उनको लाहौर ना जाना पड़े। जब आप एक वकील को लाहौर लेके जाएंगे वो तो अपनी मांगेगा यार मुझे मैं मतलब ट्रैवलिंग के पैसे तो दो सर, इंशाल्लाह शाह साहब के साथ मिलकर हम करें थोड़ा। माशा अल्लाह।
ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਜ ਮੁਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਕਾਫੀ ਮਨੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਤਮਾਮ ਨਾਇਕ ਕਾਇਦੀਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਸਤਾ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੀ ਸਤਾ ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਜੋ ਰਮਾਨ ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਸਾਥ इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम नकली और रमा कौंसिल के नाम से एक पुरवकार किस्म की तकरीब करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ होगी और एक रैली की सूरत में पिछले साल भी की उसका भी जिक्र कर दे पिछले साल भी की आप पिछले साल हमने रैली निकाली थी नकली और रमा कौंसिल के नाम पे जिसमें तकरीबन 100-200 मोटरसाइकिल और गाड़ियां हमने निकाली थी और शहर भर के अंदर मुतार कराने के लिए और अपनी पावर शो की थी उसके बाद फिर हमने मीडिया अटैक की और उस 14 अगस्त के अंदर ही हमने इसको ऐलान किया समझा कौंसिल को पिछले साल उसके बाद फिर हमने तमाम इदारे RPO DPO CPO और स्कोटी इदारे इन तमाम ने जब जब हम उनके पास गए सरदार जैद महमूद कासमी के दारू से गए बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब थे मोहम्मद अली साहब उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया कि जब सुना कि जैद कासमी साहब की तरफ से आए हैं और ऐसी जगह पर हमने कॉन्फ्रेंस की राजा बाजार के अंदर जिसके अंदर आज तक बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं वो वहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस करके मौलाना शाहनवाज फखरी साहब ने उसमें आखिरी खिताब किया था और इंशाल्लाह इस साल भी हम रबीउल के पहली जुमरात के अंदर उस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने जा रहे हैं सिर्फ सिक्योरिटी इदारे और कुछ स्पेशल ब्रांच जो है कुछ हमारे साथ तकरीबन तआवुन कर ही लिए इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी वो हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम करेंगे हम कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा पैकेज दे दें तीनों हजरात हमारे पास आ जाएंगे बाकी सियासी वस्ती हर किसी के साथ अपनी जगह पर है लेकिन मरकजी उलमा कौंसिल जो है इसी ने मजबूत तौर पर हमें आगे लेके और इसी के साथ हमारा मरना और जीना बाकी था माशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा भी यही इरादा है आज़म है कि इंशाल्लाह इनकी
बिल्कुल मानकर हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को भी मौलाना यूसुफ इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने अकाबरीन मशायख असातिज़ा पर मशहूर हूँ। इतनी बड़ी प्यारी महफिल मजलिस मतबी उलमा मुफ्ती साहब सलाम के अंदर हम जैसे नकारा लोगों को याद किया तो अल्लाह वालों का जो फैज होता है हमारे उस्ताद उलमा खतीब बुजुर्ग एशिया मोहम्मद कासमी जिस तरह उनकी जिंदगी के अंदर जारी था आज उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के फजल और करम से उनके मदरसे के मशाइख फैसलाबाद और उसके अतराफ पूरे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बहुत बड़ी फिजा फैलाए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से हर महाज पर अल्लाह ने इस जामिया के फैज को कबूल मंजूर फरमाया और ये उलमा कराम की बड़ी खुश नसीबी है कि अल्लाह के फजल करम से इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम इतना बड़ा हाल उलमा की ज्यारत ये भी रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी अदा है कि गए बगैर साल के अंदर जो है मुख्तलिफ मौके पर उलमा कराम की ज्यारत होती है। मेरे उस्ताद उलमा उस्ताद उल्कुर्रा उस्ताद मौलाना यूसुफ फारूकी साहब उस्ताद उलमा उस्ताद उल्कुर्रा मौलाना रब नवाज साहब के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिद्धूपुरा तबलीगी मरकज इस्माइल के करीब जितने भी टाउन हैं जितनी भी करूने काटी गई सारा सपना से लेकर लाल जन्नत तक ईडन से लेकर इस्माइल सिटी तक तारिक टाउन से लेकर नसामी गार्डन तक अल्लाह के फजल व करम से जामिया कासमिया का फैज और हजरत देवकर साहब दादा साहब महमूद काफी साहब दामत बरकात उनके आला के ये जो गुलशन है जिसके वो प्रिंसिपल भी हैं चेयरमैन भी हैं डायरेक्टर भी हैं जामिया कासमिया कॉलेज का जो तारुफ है अल्लाह के फजल व करम से वो करवा रहे हैं जहां इस उम्मत के लिए दीनी तालीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कासमिया दे रहा है वहाँ दुनियावी असली तालीम के लिए जामिया कासमिया कॉलेज जो है वो ये भी अल्लाह पाक के फजल से ये काम सर अंजाम दे रहा है। आखिरी बात जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दीन का काम कर रहे हैं मेरी एक इल्तजा है जो पास है कि अगर इस पूरे फैसलाबाद और अतराफ में हम अपने अकाबरीन के नाम से बुजुर्गों के नाम से अल्लाह वालों के नाम से सहाबाए कराम खुलफाए राशिदीन अशरफ मिश्रा हजरात और मशाइख के नाम से अगर ये यूनिट कैंप कर दिए जाए और हर यूनिट वाला जो है उस तरीके कार के साथ अपनी वो वेबसाइट भी चलाए फेसबुक भी चलाए वहाँ पर जो है वो तालीम भी दे एक ही होगा हमारे अकाबरीन का नाम वाज़े होगा एक ही होगा कि सहाबाए कराम का तारुफ भी दुनिया के अंदर फैलेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह सदर जिला फैसला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम